हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करने वाली हूँ, आपने देख ही लिया पिक में। और सबसे पहले मैंने अभी अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था और आज मैं ये ओलिविया का फाउंडेशन यूज़ करूँगी। और ये काफ़ी कम रेंज का फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। मेरे ख्याल से 110 या 120 रुपये का आता है ये, तो मैंने सुना था बहुत अच्छा फाउंडेशन है। मेरे पास रखा हुआ था ये, तो मैंने कहा आज इसी से मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। तो अब मैं अपना फेवरेट वाला मेरा लगा लेती हूँ प्राइमर। और ये काफ़ी शिमरी प्राइमर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्राइमर। इससे अगर आप ये प्राइमर भी लगाओगे खाली और इसके ऊपर अपना कोई भी बीबी क्रीम लगा लोगे, तब भी आपका फेस काफ़ी ग्लो करता है। तो ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है, तो मैंने ये प्राइमर लगा लिया है। और अब मैं अपना वही ओलिविया का स्टिक यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं फ़र्स्ट टाइम ही मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता इसका बेस कैसा होगा। मैं अभी ट्राई करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जो क्या कहते हैं आईज़ के नीचे लगा रही हूँ, वो लाल कलर का एक लिपस्टिक है मेरा, वो लगा रही हूँ एज अ करेक्टर। क्योंकि मुझे करेक्टर था मेरे पास, लेकिन मुझे आज लिपस्टिक से ट्राई करके देखना था और आप लोगों को भी दिखाना था। तो हम इससे भी कर सकते हैं इजीली, अपने डार्क सर्कल को छुपा सकते हैं लिपस्टिक के थ्रू भी। और बहुत ही अच्छा लगा इसको करके, पता भी नहीं चला कि हमने अपने फेस को। और अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, और मैं यही फाउंडेशन लगा रही हूँ जो मैंने आपको भी दिखाया था, ओलिविया का 05 नंबर है इसका। ये पिंक टोन में आता है, तो मेरे को वैसे मेरी येलो टोन है, लेकिन मैंने आज यही पिंक टोन लगाया था तो काफ़ी अच्छा लगा, पता भी नहीं चला इसका। और नॉर्मली लग रहा था ये, और काफ़ी हैवी जैसे हो जाते हैं फाउंडेशन लगा के फेस बहुत हैवी लगने लगता है, तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत लाइट फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। और पहले तो बोलते थे कि यही फाउंडेशन यूज़ होता था और इसी से ही ब्राइडल तैयार होती थी पहले, अब तो काफ़ी सारे फाउंडेशन आ चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ चुकी हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन था। मैंने यूज़ करके देखा कम रेंज के अंदर, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन मुझे ये लगा। और अब मैं इसको अपनी आईज़ पर भी लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे आई मेकअप करना है तो बेस तो मुझे देना पड़ेगा, तो ये मैं यही वाला आई मेकअप पे यूज़ करूँगी अपने क्या कहते हैं फाउंडेशन। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये यूज़ करने में, और काफ़ी आराम से ब्लेंड भी हो गया। और मैंने अपने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दिया था और मैंने यहाँ पे अपना फिक्स कर लिया पाउडर से फेस को। और इसके अलावा अब मैं आगे जो क्रिएट करूँगी वो अपनी आईब्रो क्रिएट करूँगी, तो वही सेम वही पैलेट अपनी यूज़ करती हूँ मैं आईब्रो के लिए, सेम वही वाली मेरी आईब्रो पेंसिल है क्रालॉन की, क्योंकि मुझे यही अच्छी लगती है। और फिर मैं इसको वही पाउडर से इसको सेट कर लेती हूँ। और काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया था, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया। और आप लोगों को कोई एडिटिंग की एप्लीकेशन पता हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, मुझे इतनी एप्लीकेशंस पता नहीं है। और फिर अब मैं इसी को अपना आई कहते हैं क्रीज लाइन बनाऊँगी अपनी आईज़ पर। और अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है, तो मैं पहले क्रीज लाइन बना रही हूँ, दोनों आईज़ पे क्रीज लाइन बनाऊँगी, सेम ब्राउन कलर से ही बनाऊँगी। और ये वही कलर है जिससे मैं अपनी आईब्रो सेट करती हूँ, सेम वही कलर दूँगी यहाँ पे क्रीज लाइन के लिए, काफ़ी नेचुरल सा लगता है और अच्छे से क्रीज लाइन भी बन जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमें इतने ही जगह में प्ले करना है। मैंने ये बहुत अच्छी किट ली है और बहुत ही सस्ती किट भी है ये, मेरे ख्याल से 150-200 रुपये की किट है। आज मैंने बहुत सस्ते प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाए हैं आपको और काफ़ी अच्छा मेकअप हो गया सस्ते प्रोडक्ट से भी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप महंगे यूज़ करोगे तभी आपका मेकअप अच्छा होगा, बस थोड़ी सी टेक्निक आनी चाहिए यूज़ करने की प्रोडक्ट, और बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैंने उसी ब्राउन के ऊपर थोड़ा सा रेड यूज़ करा, रेड मतलब रेड भी नहीं था वो, थोड़ा ऑरेंजिश रेड था वो, मैंने अपने आईज़ पर लगाया। और अब मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ अपनी आईब्रो को, और यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये लिक्विड माला, मतलब के आई शेडो है ये, तो अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये शिमरी टाइप का होता है और काफ़ी अच्छा लगता है लगाने में और काफ़ी आसानी से लग भी जाता है, तो आप लोग भी इसको बहुत आसानी से लगा सकते हो। बस एक दो ड्रॉप इसको लगाना है, उसके बाद आप अपने हाथ से इसको अच्छे से लगा लीजिए अपनी आईज़ पर, तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है। और अब मैं ये
यूज़ कर रही हूँ रेड कलर थोड़ा थोड़ा, और इसको लगाऊंगी मैं थोड़ा सा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये ब्राउन सा कलर यूज़ कर रही हूँ, ये लगा लूँगी यहाँ पे इसके साथ, क्योंकि वो रेड थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर सा हो रहा था वो, क्योंकि मुझे नेचुरल सा थोड़ा चाहिए था इफ़ेक्ट, तो मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। कॉपर कलर है ये, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, गोल्डन के साथ कॉपर काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने ये यूज़ करा, वो मैंने नहीं लगाया फिर रेड वाला, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। और फिर अब मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा और मैं गोल्डन इसके ऊपर दोबारा से लगाऊंगी, क्योंकि कॉपर लग गया तो गोल्डन कहीं ना कहीं छुप गया, तो मैं इसको दोबारा से लगाऊंगी ये वाले गोल्डन को। अब मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी, दोबारा से हाईलाइटिंग हो जाएगी। मुझे ना इतना ज़्यादा एडिटिंग करना नहीं आ रहा, तो फिर मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद आप लोग ऐसे ही पसंद करोगे, थोड़ा नेचुरली रहना चाहिए इंसान को, जो है वो बता दो कि हाँ ऐसा ही है, तो इसलिए। तो अब आप देख रहे हो आइस, मैंने लाइनर भी लगा लिया है, थोड़ा पतला लाइनर लगाया है, मोटा लाइनर नहीं लगाया मैंने। वाटर लाइन पे भी मैंने अपना काजल लगा लिया था, उससे ज़्यादा बेटर लगा मुझे। मेरे पास 3-4 मस्कारे हैं, मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग दिखाऊंगी। और अब मैंने यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ करी है, और मेरे पास पिंक कलर की लिपस्टिक थी, सॉरी मुझे थोड़ा सा जुखाम हो रहा है। ब्लशर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पिंक कलर और थोड़ा नेचुरल कलर था, न्यूड कलर, दोनों को मिक्स करके, जिससे कि ज़्यादा मतलब मेरा मेकअप लुक क्रिएट हो चुका है। और अब मैं इसको अपने मेकअप स्प्रे से सेट कर दूंगी, जो कि मेरे पास मैक का है, तो मैं इसको स्प्रे कर दूंगी। तो ये काफ़ी अच्छा मेकअप स्प्रे है, इससे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका मेकअप स्टे रहता है। और मैं इस लुक के ऊपर अभी साड़ी पहनूंगी, तो मैं इस मेकअप को, क्योंकि मुझे शाम तक रखना है, तो मैं इस मेकअप के ऊपर मेकअप स्प्रे कर रही हूँ, जिससे कि स्वेटिंग भी होगी तब भी मेरा मेकअप कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि जो मैंने बेस यूज़ करा है बहुत ही नॉर्मल सा बेस है ये ओलिविया का, क्योंकि आज मुझे इसी से ही करके देखना था कि कितने टाइम तक स्टे रहता है। मैंने आज तक इससे मेकअप नहीं करा है, मैंने डर्मा यूज़ करा है और सुप्रा भी यूज़ करा है कभी कभी, तो मैंने आज इससे क्रिएट करा है। और मैंने लास्ट टाइम आपको कलर बार का दिखाया था, तो मैंने कलर बार मेबलिन भी यूज़ कर रखा है, लेकिन आज मुझे इसका ही दिखाना था, क्योंकि ये काफ़ी कम रेंज में अच्छा फाउंडेशन सुना है मैंने, तो मैं इसको क्रिएट करना चाहती थी आज आपके साथ, मतलब अपने साथ ही ये इसके साथ लुक क्रिएट करना चाहती थी। तो अब मैं अपना मेकअप स्प्रे लगा रही हूँ मैक का, और ये बहुत ही अच्छा मेकअप स्प्रे है। मैं ये देखूँगी ये मेकअप स्प्रे इस वाले पे भी काम करता है या नहीं, क्योंकि बाकियों पे तो बहुत अच्छा काम करता है ये, तो अब मैं इसको स्प्रे कर लूँगी। इतनी दूरी पे रखना है आपको अपना स्प्रे, इतनी दूरी पे आपका स्प्रे होना चाहिए, और फिर आप स्प्रे करोगे, बिल्कुल पास ला के स्प्रे नहीं करना, थोड़ा दूर रख के स्प्रे करना। तो अब मैंने अपना मेकअप स्प्रे कर लिया है, तो अब मेरा ये लुक काफ़ी देर तक क्रिएट रहेगा, जब तक मैं मुंह नहीं धो लूँगी या मैं मेकअप रिमूव अपने टिश्यू से नहीं कर लूँगी, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। चलो ठीक है, अब मैं ना साड़ी पहन के, नहीं तो कुछ भी ड्रेसिंग करके आपके साथ आती हूँ, और बाय। हाय गाइस, और अभी मेरा फाइनल लुक है,
और मैंने गोल्डन कलर का ब्लाउज़, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और ब्लू कलर का सेट पहना है मैंने। ऑरेंज कलर का मेरे पास कुछ था नहीं और ब्लू और ऑरेंज अच्छा लगता है, मैचिंग अच्छी हो जाती है, और ऑरेंज कलर की बिंदी लगाई है। तो ये मेरा फाइनल लुक है आपके सामने। बैंगल्स पहन ली है, ऑरेंज कलर पड़े हुए थे मेरे पास, और ये रेड वाली चूड़ी तो मैंने यही पहन लिया। मैं ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस टाइम पे, मतलब हल्का फुल्का सा है, ज़्यादा हैवी लुक नहीं है। और आईज़ पे भी आप देख रहे हो, बस मैंने गोल्डन कलर लगाया है और थोड़ा सा कॉपर यूज़ करा था जो कि ऑरेंज के साथ बहुत अच्छा जाता है। ऑरेंज के साथ आप ब्लू भी बहुत अच्छा लगा सकते थे, ब्लू स्मोकी भी ऑरेंज के साथ काफ़ी अच्छी चलती है, मतलब अच्छी लगेगी लुक अगर आप बनाओगे। और हाँ, वो मेरे कान्हा जी है, अपने कान्हा जी दिखाती हूँ, मेरी वैनिटी रखी हुई है ये, आज मैं आपको अपने कान्हा जी से मिलाती हूँ। ये मेरे कान्हा जी हैं और ये यहीं बैठे होते हैं और मैं यहीं पे इनको खाना दे देती हूँ और इनको निहलाते हैं हम, सुलाते भी हैं हम इनको डेली। मैं आपको एक दिन इनका भी ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। और यहीं पे सोते हैं ये, इनका बेड भी है, मैं कभी आपको प्रॉपर वीडियो इनकी इनके साथ अपनी बना के दिखाऊंगी। और आप बताना मेरे कान्हा जी कैसे हैं। ये मेरे छोटे से कान्हा जी हैं, कोई कमी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा क्योंकि मैं नई नई वीडियो बना रही हूँ, मेरे को एडिटिंग का भी इतना नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों को कोई ऐप बताओ तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं छोटे छोटे से ही ब्लॉग बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी कुछ आता नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही करा है वीडियो बनाना। और अब मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, बाय। मतलब अब मैं स्टार्टिंग करने लगी हूँ, बनाने लगी तो मन करता है और वीडियो बनाओ। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए मुझे और लाइक करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक।